दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप सुन रहे हैं क्रिकेट का पॉडकास्ट। क्रिकेट की बातें करता हूं, इसलिए क्रिकेट से जुड़ी हुई एक दुखद घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आज 27 नवंबर है और आज का दिन क्रिकेट फैंस के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए भी भावुक वाला दिन है। कहते हैं क्रिकेट का खेल काफ़ी रोमांच से भरा होता है। आए दिन खिलाड़ियों को चोटें लगती हैं या छोटे मोटे हादसे खिलाड़ियों के साथ होते रहते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान पर किसी खिलाड़ी की मौत हो जाती है तो इससे बुरा दिन और कोई नहीं हो सकता है। ऐसी ही एक घटना आज से 6 साल पहले हुई थी, जब एक क्रिकेटर की मौत हुई थी। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 27 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की मौत क्रिकेट के मैदान पर साल 2014 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के 26 वर्षीय क्रिकेटर फिलिप ह्यूज के निधन से करोड़ों फैंस भावुक हो गए थे। जिस गेंदबाज का बाउंसर फिलिप ह्यूज को लगा था, उसे इस बात का अफसोस कई सालों तक था और उस गेंदबाज को इसे भूलने में कई साल लग गए। उस दर्दनाक दिन के आज 6 साल बीत चुके हैं। आइए आपको उस घटना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 25 नवंबर 2014 को शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट खेला जा रहा था। उस मुकाबले में फिलिप ह्यूज साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ खेल रहे थे। इस मैच की शुरुआत 25 नवंबर 2014 को हुई थी। ह्यूज उस दिन 63 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उस दिन काफ़ी अच्छी लय में भी नज़र आ रहे थे कि तभी सीन एबॉट की एक बाउंसर उनके सिर पर जाकर लगी और गेंद लगते ही फिलिप ह्यूज जमीन पर लेट गए। फिलिप ह्यूज को वो गेंद इतनी तेज लगी थी कि वो सीधा कोमा में चले गए थे। करीब 2 दिनों तक फिलिप ह्यूज अपनी जिंदगी की लड़ाई मौत से लड़ते रहे, लेकिन अंत में वो जिंदगी की जंग हार गए और 27 नवंबर 2014 को फिलिप ह्यूज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि फिलिप ह्यूज का निधन उनके जन्मदिन से सिर्फ 3 दिन पहले हुआ था। फिलिप ह्यूज का जन्म 30 नवंबर 1988 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। इस दिग्गज खिलाड़ी की मौत का दुख आज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को है। आपको बता दें, फिलिप ह्यूज को फिल ह्यूज के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले थे। 26 मार्च 2009 को फिलिप ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में फिलिप ह्यूज ने अपने नाम 3 शतक दर्ज किए और 1500 से ज़्यादा रन बनाए थे। वहीं साल 2013 में फिलिप ह्यूज ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। ह्यूज ने 25 वनडे मैचों में 2 शतक के साथ 800 से भी ज़्यादा रन बनाए थे। क्रिकेट के किस्से और दिलचस्प जानकारियों से जुड़े रहने के लिए क्रिक ब्लास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।